हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये ऑल ओवर कोटी में डिज़ाइन, जाली पैटर्न में पड़ा हुआ है। ये पूरी आप कार्डिगन, कोटी, बच्चों के स्वेटर्स में भी डाल सकते हैं। ये सब में अच्छा लगता है। ये मैंने ऑल ओवर आगे पीछे फ्रंट बैक सबके डाला हुआ है, तो इसको आप देखिए बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फुल स्वेटर में जब ये पड़ता है, देखिए इसको मैंने पूरा ऑल ओवर डाल रखा है। ये देखिए बैक में भी ये पूरा डिज़ाइन हमारा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा बैक में पड़ा हुआ है, ये फ्रंट में पड़ा हुआ है, और ये पूरा पहनने पे ऐसे पूरा जाली जैसा दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए देखते हैं हमको ये बुनाई कैसे बनानी है। इस बुनाई को बनाने में आपको 6 के मल्टीपल में फंदे रखने पड़ते हैं, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। जैसे इसमें मैंने 37 फंदे डाले हैं, तो इस हिसाब से आपको फंदे अपने स्वेटर में डालने हैं कि वो 6 के मल्टीपल में हो, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा हो उसमें। तो अब बुनाई देखते हैं हमें कैसे बनानी है। एक फंदा आगे का हमने नॉर्मल सिलाई पे ले लिया, इन दो फंदों को एक बनाया, और जब हम इन दो फंदों का एक किसी भी बिनाई बनाते हैं तो इस साइड से इसमें निकालते हैं, ऐसे करके आगे से ऐसे निकाल के दो का एक बनाया, ऊन आगे किया, और चार, देखिए ऊन आगे करने के बाद एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर ऊन आगे किया और इस फंदे को पलटते हुए, जैसे कि मेरे आपने सारे वीडियोस में देखा होगा कि जब भी हम इस साइड से करते हैं, दो फंदे का एक करते हैं, तो इस फंदे को आगे के फंदे को पलट लेते हैं। तो इन दो को एक किया, फिर इस साइड से इन दोनों को एक किया, ऐसे इस साइड से इन दोनों को एक किया, ऊन आगे किया, फिर चार बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, ऊन आगे करके इस फंदे को पलटते हुए दो का एक किया, और इधर से भी दो का एक किया, ऊन आगे किया, फिर चार नॉर्मल, ऊन आगे, दो का एक पलटते हुए दो का एक, और इस साइड से भी दो का एक किया। फिर दो का एक करने के बाद ऊन आगे करके एक जाली बनाई, जाली का फंदा एक, दो, तीन, चार, ऊन आगे किया, दो का एक इस साइड से, दो का एक ऊन आगे करके एक जाली बनाई, लास्ट का एक फंदा नॉर्मल सीधा। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी चलेगी, हर सिलाई में हमको उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सीधी सिलाई में आने पे हमारे तीन फंदे, पहला तो उतार लिया, दो फंदे नॉर्मल बिने, ऊन आगे किया, इस फंदे को पलटते हुए ये दो का एक किया, और इस साइड से इसको दो का एक किया, ऊन आगे करके एक, दो, तीन और चार, चार नॉर्मल बनाते हुए ऊन आगे करके फिर हमको इधर जाली बनानी है, दो का एक करना है। फिर यहाँ पे जाली बनाते हुए हमारे एक, दो, तीन, चार फंदे नॉर्मल, दो का एक इस साइड से भी दो का एक। इसमें एक बार इस जैसे इस पे इसको हमने पहले
चार सीधे बनाए थे, इस पे अब हम ये डिजाइन बना रहे हैं। और जहां पहले जाली बनाते हैं उस पे हम चार फंदे सीधे एक बार जाली पे बिनेंगे और दोबारा उस पे दूसरी जाली बनेगी। इतना सा ध्यान रखने की बात है किस साइड पे कैसे बनाना है। ऊन आगे किया, एक दो तीन चार फंदे नॉर्मल, ऊन आगे करके इस साइड में लास्ट में इन दो का एक कर दिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी चलेगी। और इस इन दो फंदों का एक किया ऐसे, आगे से दो फंदे का एक किया। ये देखिए पहले जाली हमारी इधर बनी है, तो ये हमारे दो फंदे ऐसे चोटी जैसे दिख रहे हैं, इनको हम नॉर्मल बनाएंगे। ऊन आगे किया और ये हमारे चार सादे हो गए, एक दो तीन चार सादे हो गए। ऊन आगे किया, ये हमारे अब यहाँ से यहाँ तक सादे फंदे सादे दिख रहे हैं, इसमें नीचे चोटी यहाँ पे बनी है, इसलिए अब हमको यहाँ पे इसमें इन फंदों को घटाते हुए चोटी बनानी है। ऐसे इन दो को एक किया और इसको साइड से एक किया। ऊन आगे किया, चार नॉर्मल बिने, एक दो तीन चार। ऊन आगे किया, ऊन को फंदे को पलटते हुए दो का एक किया, इस साइड से भी पलटते हुए इस साइड से इन दो फंदों का एक किया। ऊन आगे किया, चार नॉर्मल, ऊन आगे किया, दो बनाए, दो का एक किया इधर से, ऊन आगे किया, एक दो तीन चार सीधे हो गए। फिर ऊन आगे किया, दो का एक और इस साइड से दो का एक, ऊन आगे करके दो हमारे सीधे हो गए। ये हमारा डिजाइन पूरा, ये देखिए ऐसे जाली जाली जैसा बन के आता है, पूरा ऐसे ही कंप्लीट होके आ जाता है। और ये साइड के जो फंदे हमने दो रखते हैं, तो इनको देखिए जब हम इसलिए रखते हैं लास्ट में कि जब हम बिना इस अपने स्वेटर को जोड़ते हैं तो देखिए इसमें कहीं भी ये नहीं पता चलता है कि स्वेटर हमारा कहाँ से बिना स्टार्ट है और इसमें कहाँ जोड़ आया है। ये हमारा जोड़ का फंदा है, यहाँ से हमारा ये पल्ला जुड़ा हुआ है, मगर इसमें कहीं पता नहीं चलता है। जब लास्ट में आपके फंदे 6 के मल्टीपल में होंगे तो आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ से आपने इसमें जोड़ लगाया है। तो ये आपका पूरा स्वेटर ऐसे जालीनुमा बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।